आपके अपने YouTube चैनल वक्साड़ी कला दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराना होंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा है दो अंगी महापुरुष ने बता दिए होंगे, साथ ही आपके वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा होंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा बोर्डिंग क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइए। ओके, आगे और भी जो आपकी 3 अंगी वाली वीडियो रहेंगे, ओके 4 अंगी महापुरुष है, चित्र वाली, डायग्राम वाली इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सब आपको आपको क्या है प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो क्रम से वहां से तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं उत्तर के साथ। सो वीडियो ध्यान से अंतर देखिएगा। ओके, तो देख लेते 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, महामैराथन होने वाली है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, तो तैयार करते जाइएगा। ओके, बहुत ही कम समय है, एक ही दिन का आपका गैप है। ओके, वो भी बिल्कुल नाके बराबर समझ ही लीजिए। ओके, तो इसलिए आपको क्या है एकदम लगातार तैयारी करते रहना है बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अगर आपको क्या है सफलता प्राप्त करनी है वार्षिक परीक्षा में, तो लगातार आपको क्या है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा दृढ़ संकल्पित होकर मेरे साथ। ओके, 3 अंकीय महापुरुष में पहला है दोस्तों हमारा एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म का है या आवृतबीजी। ओके, एक ही बात है। ओके, तो ध्यान रखिएगा एंजियोस्पर्म को ही आवृतबीजी कहा जाता है। ओके, क्योंकि कई बार पेपर में क्या है आवृतबीजी के लक्षण लिख के आता है, तो कई बार क्या है एंजियोस्पर्म। ओके, तो एक ही बात है। ओके, तो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म पौधों में बीज के चारों तरफ आवरण में उपस्थित होता है। दूसरा, मुख्य पौधा स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है और जड़ तथा तना एवं पत्तियों में क्या है विभेदित रहता है। तीसरा है, पुष्प के रूप में क्या है प्रजनन अंग उपस्थित रहती है। तो ये आपके दिए एंजियोस्पर्म या फिर आपके आवृतबीजी के लक्षण। ओके, नेक्स्ट हमारा जिम्नोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण। अब जिम्नोस्पर्म को क्या अनावृत्ति बीजी कहते हो, अनावृत्ति बीजी पौधे। ओके, तो चाहे अनावृत्ति बीजी कहें चाहे जिम्नोस्पर्म। ओके, तो देख लेते हैं इसके प्रमुख लक्षण। तो जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण है, ये पौधे बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं जो समानता मनुस्थलविद स्वभाव के होते हैं। दूसरा है, इन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन वे बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, अर्थात बीज किसी खोल भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं। और तीसरा है कि ये पौधे विषम बीजाणु होते हैं, अर्थात दो प्रकार के बीजाणु लघु एवं दीर्घ, क्रमशः लघु एवं दीर्घ बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं। ओके, तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के 3 प्रमुख बिंदु लिखिए। कोशिका सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु आपको पूछे जा रहे होंगे, देख लेते हैं मुख्य बिंदु के। और साथ ही आपके कोशिका कैसे कहते हैं, 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो मैं बता ही चुका हूँ कोशिका की परिभाषा याद रख लीजिए। ओके, बाकी कोशिका के सिद्धांत क्या है, पहला है सभी जीवन में एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते, जितने भी जीव हैं संसार में सभी कोई बहुत कोशिकाओं के, जैसे मनुष्य क्या है बहुकोशिकीय है। ओके, अमीबा क्या है एक कोशिकीय है, तो बहुत से जीव एक कोशिकीय या फिर क्या है बहुकोशिकीय कोशिकाओं से बने होते। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सभी कोशिकाओं में एक जैसी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ओके, तो अक्सर आता है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, ओके कार्यात्मक इकाई कौन है, तुम्हारी क्या है कोशिका। ओके, तीसरा है किसी भी जीव द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं वास्तव में उसकी कोशिकाओं के अंदर की क्रियाएं एवं उनकी आपसी क्रियाओं का परिणाम होती हैं। तो ये हो जाता हमारा कोशिका के सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लिपिड्स के कार्य लिखिए। लिपिड्स के क्या क्या कार्य हैं, तो पहला है ये ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा देता है, इनके ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा मिलती है। दूसरा है यह विटामिन ए डी ई एवं के अवशोषण में सहायता करता है। ओके, तीसरा है ये हमारे रुधिर के महत्वपूर्ण घटक है, 100 ml रुधिर में लगभग 500 mg लिपिड पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिपिड के कार्य। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, और ये लगातार नहीं आता, 2-3 साल छोड़ के एक बार आ जाता। ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक आसान है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला आपका प्रकाश, दूसरा है तापमान, तीसरा है जल। प्रकाश किस प्रकार से, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा अधिक तेज प्रकार से क्रिया रुक जाती है। सिंपल बात है कि क्या प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो क्या है दूसरा तीव्रता, जिस प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा। ओके, और साथ ये भी लिखा है अधिक तेज प्रकाश में क्रिया रुक जाती है। रुक क्यों जाती है, क्योंकि आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधों की पत्तियों में होती है, और अत्यधिक जब प्रकाश आएगा तो पौधों की पत्तियां क्या है मुरझाने लगेंगी। ओके, और ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो फिर मुरझाने लगी, पता है पत्तियां सूखने लगी मुरझाने लगी, जब पत्तियां मुरझाने लगी तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। तो सिंपल बात है, तो तीव्र प्रकाश अगर बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन अधिक तेज प्रकाश में क्रिया रुक जाती है। फिर तापमान 25 डिग्री से आपका 32 डिग्री सेल्सियस तक ताप प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है, अत्यधिक एवं कम ताप पर क्रिया की दर घटती होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये आपके एक ही पॉइंट है लगभग एक बार से। ओके, फिर नेक्स्ट जल महत्वपूर्ण यौगिक है, जल की कमी से होने से क्रिया प्रभावित होती है क्योंकि जीव द्रव की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या घट जाती है।
ये हो जाते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण की दर को क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है किंडवन के तीन महत्वों के, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किंडवन की क्रिया क्या होती है, ओके इसके क्या महत्व है, तैयार अच्छे से कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ओके महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं किंडवन क्रिया के महत्व। तो पहला है किण्वन क्रियाओं का प्रयोग कर मदिरा बनाने के कारखानों में बियर बिस्की और तथा वाइन बनाने में किया जाता है। मतलब क्या है किण्वन जो शराब बनती है, शराब की जो प्रोसेस होती है वो किण्वन की क्रिया ही से होती है। तो शराब बनती है तो उसमें क्या है किण्वन क्रिया का प्रयोग करके ही शराब बनाई जाती है। तो शराब या मदिरा कहें उसके लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है किण्वन क्रियाओं का घरेलू जीवन में भी महत्व, जैसे सिरका बनाने में, सिरका जो बनता है वो क्या है किण्वन की क्रिया की से ही बनता है, ओके ये भी महत्व है। नेक्स्ट है अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणुओं की किण्वन क्रिया की द्वारा ही होता है, ओके तो ये आपके किण्वन की क्रिया की महत्व सिंपल है, ओके पहला मदिरा बनाने में, दूसरा क्या है सिरका बनाने में, तीसरा आपका लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आपके क्या है सिट्रिक अम्ल, इन सब के बनाने के लिए भी क्या है आपके किण्वन क्रिया का उपयोग होता है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा, 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहां जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहां मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, ओके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अक्सर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कार्की एक दृष्टि से ऊर्जा के ट्रांसिस्ट डिड्यूजर का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात यह भोजन की स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसका उपयोग धीरे धीरे जैव क्रिया में संचालन में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका विद्युत ऊर्जा ग्रह कहते होंगे, पावर हाउस कहते होंगे। आप यही समझ गए होंगे कि जो क्या है ये ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके तो ये अपनी पूरी ऊर्जा को भोजन की जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसको क्या है एटीपी रूप में बदल कर अपने पास रख लेता है, जितनी शरीर को चाहिए पड़ता है वो देता रहता है धीरे धीरे, ओके इसलिए क्या है इसे ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है जिब्रेलिन हार्मोन के तीन कार लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो देख ले जिब्रेलिन हार्मोन के कार। पहला है यह तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रिय होता है, दूसरा यह पुष्पों और फलों के आकार में वृद्धि करने में सहायता करता है, तीसरा यह शराब बनाने के समय किण्वन की क्रिया उत्तेजित करता है तथा बिलगन की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये है आपके जिब्रेलिन के कार, अच्छे से तैयार कर लीजिए जिब्रेलिन हार्मोन के कार, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ओके कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं, ओके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11th के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स में मिलेगा क्या, इस कोर्स में दोस्तों आपको दो अंक, तीन अंक, चार अंक महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, वस्तु निष्पेष मिल जाएंगे, साथ ही आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ओके कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90,43,45,79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला केवल 99 रुपए में, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, ओके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन के तीन कार्य लिखिए, ओके हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आज जिब्रेलिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन दोनों के कार्य तैयार कर लीजिएगा, ओके तो ऑक्सिन हार्मोन के भी कार्य देख लेते हैं। ऑक्सिन क्या है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, दूसरा यह शीर्ष कलिका को सक्रिय रखता है जिसके कारण पौधों में शीर्षस्थ प्रभावित होती है, तीसरा पौधों पर ऑक्सिन के छिड़काव से बिलगर परत का निर्माण नहीं होता है, इस कारण पत्तियों और कच्चे फल पौधों से टूट कर नहीं गिरते। तो ये आपके ऑक्सिन हार्मोन के कार्य, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संघ आर्थोपोडा के दो लक्षण लिखिए, तो संघ आर्थोपोडा के लक्षण देख लेते हैं। पहला है इसके जंतु जल थल और वायु तीनों प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, दूसरा है इसके शरीर में त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममिति तथा वह रूप में विखंडित होते हैं, तीसरा सभी खंडों पर जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। तो ये आपके संघ आर्थोपोडा के लक्षण, ये भी आपका आ चुका है, इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब लगभग प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सिलेक्टेड है क्योंकि नेक्स्ट हमारा पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण पाए जाते हैं, कोई तीन आपको बताने होंगे। तो पहला है अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, दूसरा शरीर धारा रेखीय होता है, तीसरा है वृक्ष की पेक्टोरम पेशियां क्या है सुविकसित होना, ओके तो ये आपके पक्षियों के उड़ने हेतु क्या रूपांतरण ये सब पाए जाते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के तीन महत्व लिखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ओके देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के तीन महत्व। पहला है कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आवश्यक रूप से होती है, यह प्रक्रम जनन तथा संतति के बीच अनुवांशिक सेतु की तरह कार्य करता है, दूसरा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि इसके द्वारा ही किसी भी जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है जो कि क्या प्रत्येक जाति के विशेष लक्षण है, तीसरा यह प्रक्रम गुणसूत्रों के गुणन को विफल कर किसी जाति विशेष की स्थिरता को प्रदान करता है। तो ये हमारे अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पादप वृद्धि
पादप वृद्धि के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। पादप जो पौधों की जो वृद्धि के प्रमुख चरण कौन कौन से, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। पौधों की जो वृद्धि होती है उनके विभिन्न चरण बताए गए हैं। ओके, पहला है कोशिका विभाजन का प्रावस्था, दूसरा है कोशिका वर्धन या धीरीकरण का प्रावस्था, तीसरा है कोशिका विभेदन या परिवर्तन का आपके प्रावस्था। तो ये आपके तीन पॉइंटों के माध्यम से, ओके, तीन स्टेज के माध्यम से आपको क्या है, आपको पौधों में वृद्धि के बारे में बताया गया। ओके, तैयार कर लीजिए इस बार से आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संघ इकाई नोडर्मटा के कोई तीन लक्षण लिखिए। ओके, कम ही आता है लेकिन एक बार से भी पढ़ लेना है। ओके, तो क्योंकि जब संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण आ जाते हैं तो फिर इसके भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। तो पहला हमारा क्या है, ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, इनका शरीर त्रिस्तरीय एवं देहगुहक युक्त होता है। दूसरा, इसमें जल संवहन तंत्र या अभुलिक्कम तंत्र पाया जाता है। तीसरा, इनके शरीर में विशिष्ट परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का अभाव होता है। ओके, तो ये आपका संघ इकाई नो डर्मेटेटा के आपको क्या लक्षण हो गए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है एम्फ्रिविया वर्ग के कोई तीन लक्षण आपको लिखने हैं। तो देख लेते हैं एम्फ्रिविया वर्ग के तीन लक्षण। पहला है, ये उभयचर होते हैं, अर्थात ये जल और थल दोनों प्रकार के आवासों में रहते होंगे। अब आपको पता ही है, तो मेढक क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स की, मेढक आपका किस वर्ग का होंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसके कंकाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है। तीसरा है, इनकी आँखों ऊपर घूमने वाली पलकें तथा कानों के ऊपर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है जिसे टिमने पे नम कहते हैं। तो ये आपके दिया है एम्फीबिया वर्ग के तीन लक्षण, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किस प्रकार होता है समझाइए। मेढक के श्वसन को आपको समझाना है, एक बार पढ़ लेते हैं। मेढक जल व थल दोनों स्थानों में पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इनकी त्वचा, देखिए मेढक है वो जल में भी रहता है थल में भी रहता है, तो उसको दो सिस्टम दिए हैं। अगर जल में है तो किस प्रकार से सांस लेनी है, थल में है भैया किस प्रकार से सांस लेनी है, तो दो सिस्टम है उसके मिले हुए। ओके, तो मेढक जल और थल दोनों में रहता है, दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इनकी त्वचा में एक जलीय श्वासअसंग कार्य करती है, इनके त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग के थैलानुमा संरचना होती है जो देहगुहा के बच्चीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करते हैं। ओके, तो ये आपके दिया हुआ है, मेढक के श्वसन के बारे में पूरा बताया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोटीन के तीन कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। पहला, एंजाइम के रूप में। ओके, एंजाइम के रूप में किस प्रकार से विभिन्न जैव क्रियाओं के नियमन में प्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करता है। दूसरा है, हार्मोन के रूप में शरीर का उपापचयन क्रियाएं पर नियंत्रण, हार्मोन के रूप में किस प्रकार से करता है, कि शरीर में उपापचयन क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, जैसे इंसुलिन। ओके, ये आपकी हेडिंग यहाँ तक है। ओके, तीसरा है परिवहन, कुछ प्रोटीन दूसरे सरल अणुओं की क्रिया कर अस्थायी यौगिक बनाकर उनका परिवहन करने में मदद करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसी प्रकार सीरमन एब्यूमिन युक्त वसा अम्ल को अणुओं के एडिपोज ऊर्जा तक पहुँचाता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, आपके साइटोकाइनिन हार्मोन्स के तीन कार्य पूछे जा रहे हैं। ओके, साइटोकाइनिन हार्मोन के तीन कार्य देख लेते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के पहला कार्य है, साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, लेकिन इनकी क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। दूसरा, साइटोकाइनिन में पौधों की आकार की प्रकृति को बदलने का गुण पाया जाता है, जिस कारण इसका उपयोग ऊतक संवर्धन में किया जाता है। तीसरा है, साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता। साइटोकाइनिन के उपयोग से सब्जियों, पुष्पों तथा फलों में कई दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। ओके, तो ये आपके दिए हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रिसिस अम्ल के तीन कार्य लिखिए, तो उसके कार्य देख लेते हैं। पहला है, पौधों में इसके छिड़काव द्वारा वाष्पोर्जन को काफ़ी कम किया जा सकता है, अतः इसका उपयोग प्रति वाष्पोर्जन के रूप में किया जाता है। ओके, दूसरा है, एब्रिसिक अम्ल का उपयोग प्रमुख कार्य पत्तियों तथा दूसरे पादपों अंगों को जीर्णता का बढ़ाना है। तीसरा है, एब्रिसिक अम्ल का प्रयोग द्वारा बीजों एवं कलिकाओं को प्रसुप्ति को बढ़ाया जाता है। तो ये आपके दिए हैं एब्रिसिक अम्ल के कार्य, तो तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको टॉप निश क्वेश्चन बताएं तीन अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में। ओके, जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 बायोलॉजी की, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।